कमलेश तिवारी मर्डर में एटीएस ने बरेली से एक मौलाना को हिरासत में लिया है। मौलाना पर हत्यारोपियों की मदद का आरोप है। फिलहाल मौलाना को हिरासत में लेकर एटीएस लखनऊ रवाना हो गई है। हिरासत में लिए गए मौलाना का नाम सैयद कैफी अली है और वह दरगाह आला हजरत में मौलाना है। कमलेश तिवारी की हत्या के बाद दोनों आरोपी अशफाक और मुहियुद्दीन लखनऊ से बरेली मौलाना से मिलने आए थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपियों ने बरेली के एक अस्पताल में इलाज भी कराया था। एसआईटी हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी के कातिलों के और करीब पहुंच गई है। अन्य एजेंसियों के साथ काम कर रहे स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने एक इनोवा कार जब्त की है। कमलेश के कातिलों ने लखीमपुर में पलिया से शाहजहांपुर तक जाने के लिए इसे बुक किया था। कार के ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के अनुसार ड्राइवर ने खुलासा किया है कि कार को उसके मालिक के एक रिश्तेदार ने गुजरात से 5,000 रुपये में बुक किया था। माना गया है कि कातिल इसी कार से लखीमपुर से शाहजहांपुर गए, जहां सोमवार को एक सीसीटीवी कैमरे में उन्हें बस स्टेशन की तरफ पैदल जाते हुए देखा गया था। एसआईटी का सर्च ऑपरेशन जारी। एसआईटी ने सोमवार को दोनों की तलाश में कई होटलों, लॉज और मदरसों में छापेमारी की, लेकिन उन्हें नहीं पकड़ सकी। इसके अलावा आसपास के जिलों में भी तलाशी की जा रही है और सभी आने जाने वाले मार्गों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आरोपियों के स्केच जारी। दोनों कातिलों पर अलग अलग 2.5 लाख रुपये का इनाम घोषित करने के अलावा पुलिस ने दोनों के स्केच भी जारी कर दिए हैं। एसटीएफ के एक अधिकारी ने कहा कि माना जा रहा है कातिल नेपाल भागने की कोशिश कर सकते हैं और हम उन्हें बाहर जाने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे अभी भी शाहजहांपुर में छिपे हो सकते हैं। पुलिस की एक टीम ने पीलीभीत जिला के शेरपुर गांव निवासी फिरोज 28 से भी पूछताछ की है। फिरोज का कथित रूप से तिवारी हत्याकांड के एक आरोपी राशिद से संबंध है। तिवारी की हत्या 18 अक्टूबर को लखनऊ में की गई थी।